वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उठ तो ना हम लोग गए थे, मेरे को इतने सारे मोर 1 2 3 4 साढ़े 3 बजे मैं उठी, फिर मेरी नींद खुली, फिर मैं फिर सो गई। उसके बाद 7 बजे उठी, फिर प्रीति ने चाय बनाई, मम्मी अभी बना रहे खाना। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। देखा कितने सारे मोर यार, अभी है, पहले नहीं होते थे जब हम मतलब छोटे होते यहाँ पर रहते होते, आवाज़ आती थी बट ऐसे नीचे को आके नहीं घूमते होते थे मोर। ऐसे तो मैंने सूट पहना हुआ, बड़ा इतना ठंड लग रही है, मतलब 2-4 दिन में और ठंडा हो जाएगा। चलो अभी हम चलते हैं किचन में, चाय धीमी आंच पे रखी है, दूसरी चाय वो पीते हैं। मम्मी ने बना दिया परांठा, चाय प्रीति कर रही है कपड़े प्रेस, और ये है हमारी दूसरी चाय आप लोगों के साथ। मुझे बोलते तुम ब्लॉग नहीं बना रही हो, प्रीति का तो मेरे से भी बहुत लेट आता है, मेरा भी ब्लॉग बहुत लेट आता है। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ अपनी ब्लॉगिंग को लेके, टाइम को लेके। बट यार जब मैं हिमाचल में आती हूँ ना तो मैं मतलब टाइम नहीं लग पाता मुझे एडिट करने का, और ब्लॉग बनाने का भी उतना टाइम नहीं लग पाता, तो इस वजह से चीज़ें बहुत सारी हो जाती है। एंड कुछ और भी कंस्ट्रेंट होते हैं ज़िंदगी में, सो इस वजह से भी मैं टाइम पे नहीं डाल पाती। जो हमारे ब्लॉग में मेरे को एक था कि ना, एक तो मुझे टाइम नहीं लगा, दूसरा मेरे को था कि प्रीति भी डाल दे तो साथ में डालते तो ज़्यादा सही रहेगा। सो उसने तो बहुत ही लेट डाला था क्योंकि उसके वैसे ही समय नहीं था यार, यू नो मैं तो फिर अकेली हूँ, मैं एडिट करके तुरंत डाल सकती हूँ, है ना, मेरे को भी टाइम नहीं लग रहा था। बट मुझे थोड़ा लगा कि चलो सबको साथ में लेके चलते हैं एंड टाइम उस हिसाब से हम लोग जो है अपना व्लॉग डालेंगे। बट अभी भी ऐसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को ही टाइम नहीं लग पाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ये करना है वो करना है, है ना, तो एडिट का टाइम लगता है, रात को नींद आ जाती है, फिर टाइम भी नहीं डाल पाती है। फिर आप लोग बोलते हो, पूछते हो कि प्रियंका दी आपका ब्लॉग नहीं आया, तो अब मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा ट्राई करती हूँ कि पंक्चुअल रहूँ, अपना ब्लॉग समय पर डाल पाऊँ। आज मुझे मतलब काम है, मैं सोच रही हूँ यार करवा चौथ की कुछ शॉपिंग करके आए, क्योंकि हिमाचल में यहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे एक दुकानें हैं कुछ कुछ जो मुझे काफ़ी पसंद है, वहाँ पे सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको तो पता है मम्मी भी बोलती मेरी तरफ से सूट ले लो, ये कर लो वो कर लो, करवा चौथ का सूट ले लो, तेरा बर्थडे है ये ले लो वो ले लो। एंड पता है आपको मेरा कुछ कुछ बहुत जरूरी सामान जो मेरे को लग रहा था वो पटना में कुछ नहीं हो सकता, तो आज हमने सोचा कि ये बोल रहे थे कि चलो कार लेके चलते हैं, तुझे अपने के लिए जो यहाँ से लेना है वो ले लेना, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम हो जाता है, हम पटना से इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आ पाते। यहाँ से लिया हुआ सूट, यहाँ से ली कड़ी हुई स्टिचिंग सूट्स वगैरह की बहुत डिफरेंट होती है। और आज मैं ना कड़ी बनाने का भी सोच रही थी, हम लोग चाय पी रहे हैं। आप लोग प्लीज़ बताना कि कहाँ कहाँ पे ठंडा मौसम शुरू हो गया, कि यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है रात को, मतलब एक नंबर पे नहीं अच्छा होगा। हम जब से आया ना बिल्कुल भी एसी नहीं लगाना पड़ता, पटना में आए थे तो एसी तो चल रहा था उस दिन, तो पता नहीं मुझे, अब तो जाके पता चलेगा जब हम लोग जाएंगे वापस पटना से। अगर कोई देख रहा है प्लीज़ बताना पटना में मौसम कैसा आया होगा, तो पूरे पंखे पंखे बंद हो गए, बहुत चिल्ड वाला मौसम, स्कूल वाले बुद्धि नहीं आ रहे हम लोग ना इस टाइम होते थे, गले हम लोग के ख़राब होते थे, हम छली खाते होते छलियाँ खाते होते थे और रामलीला वाले दिन होते थे, अब तो रामलीला खत्म हो गई। तो हम लोग फिर बाहर बैठ के 10 बजे स्कूल लग रहा, हमने 10 बजे 9:30 बजे रेडी होके बैठ जाना, सुबह सुबह क्लास होती थी, टेस्ट होता था, हम उसके प्रिपरेशन वाला दिन ना इसे मुझे याद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और नीचे ना हमारे आंटी हैं, एक राज आंटी, फिर मिताई जी, वो गली में ऐसे घूमते रहते हैं, तो मैं उनको देखती हूँ, हाई उनसे बातें करती हूँ। ताई से हम स्कूल जाते होते थे, मैं मेरी कजन सिस्टर अंजना है ना, हम लोग ने स्कूल का होमवर्क फिनिश करना, बड़े अच्छे दिन होते थे। मतलब यहाँ पे आगे ना मुझे वही स्कूलिंग वाली चीज़ें मतलब रिमाइंड होती है, याद आती है, बीबी इंतजार करती होती थी, हम आधी छुट्टी में आती थी खाने खाने के लिए, सब कुछ वैसे ही है। बट सब लोग बड़े हो गए, अब मैं रामलीला में देखी मैं मेरी कितने सारे क्लासमेट थे, सब वैसे बड़े बड़े हो गए हैं ना, सोचिए यार एक समय था हम छोटे छोटे थे स्कूल में पढ़ते होते थे, अभी ऐसे कुछ कुछ क्लासमेट है जिनसे हायल हो जाती है, ऐसे बात नहीं होती उतनी, वो भी हेजिटेट करते होंगे थोड़ा, मैं भी हेजिटेट करती हूँ थोड़ा, बट अच्छा बहुत लगता है अपने स्कूल के बच्चों को देख के, उनसे मिल के बात करके, उनकी फैमिली को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और सच बताऊँ टच वुड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस गांव में रहती हूँ, इस गांव में पैदा हुई हूँ, हिमाचल में पैदा हुई हूँ, यहाँ का एम्बियंस। मम्मी प्रीति से बढ़ देंगे, यहाँ का एम्बियंस सब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ऐसे ना हम रामलीला जाते थे, अभी भी ना
छलियां भरते रहे सही रह गए सुखने पानी बस सुखे पप्पू जी उड़ा देना मैं अपने इस पर भी छली खाती थी बस एने मम्मी ने बहुत खाती है मम्मी शुगर बड़ी होगी फिर आपकी पक्का ऐसे हम करते कोई कोई दो चार चलियां नहीं दिंदा दो तीन कौन दिंदा किन्नी चली की रखी है तेरा पान के खानी है बस इसको दालों को सुखाना है फिर इसका आटा बनाएंगे दूध को उबाल उबाल कम उबल गया उबल रहा हम लोग ना डिस्कशन कर रहे हैं कि ना मतलब मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए प्रीतिका ना मुझे गिफ्ट देना तो मैं समझ में नहीं आता क्या दिए मैं सोच रही हूँ एक मिक्सी मिक्सर मशीन वैसे उसको बोल सकते हैं उसमें सारे मसालों को मिक्स करते हैं हम लोग मिक्सी लेके देनी है मुझे प्रीति को गिफ्ट और एक मैं इंडक्शन सोच रही हूँ मैं गिफ्ट लेके दे दूँ मैंने इसके घर पे नहीं यहाँ पे ना मिक्सी है वैसे उसको छोटा जा रहा है तो वो छोटे में कुछ होने वाला जैसे मान प्रिया जी चाहते हैं कि नई नई रेसिपीज रोज बनाया करो हां मेरे को बहुत मन करता है बनाने का मिक्सी में बहुत अंत सोच में भी लेनी है लेनी लेनी है बट अभी मैं सोचती हूं पहले बाकी खर्चे हो जाए ये हो जाए वो नहीं ये जार नहीं ठीक हो सकता इसका नहीं दूसरे का कितने पुराने जार है कितने साल पुरानी है पर मिक्सी ठीक है लेनी है मेरे पास मिक्सी है नहीं मम्मी की लेनी चाहिए मिक्सी और एक इंडक्शन मैंने इसको सोच रही हूँ लेने का और मैं सोच रही हूँ ना गिफ्ट देना तो सिर्फ एक और मैं सोच रही हूँ ना हम ना फर्नीचर वाले भैया के पास जाएं उनके पास कुछ पुरानी पीस पड़े हैं ना अगर लकड़ी के तो हम उनको बोले ऐसे ही मतलब बहुत ही सस्ते में 500-700 रुपए में जो बन जाए रैक बन जाए डब्बे रखने के लिए जो कि हम टेम्परेरी ले लें प्रीति को बताओ जो ऐसे हम सड़क पे नहीं जाते हैं केवल उनके पास रैक वैक नहीं होते हैं ऐसे 3-4-5 लेके रख लो नीचे उसके ऊपर डब्बे वब्बे रखते सब सेटिंग हो जाती है काउंटर टॉप हाँ थोड़ा ना मैं आज तो मार्केट जा रहे हैं छोटे 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 काम करने हैं कुछ करवा चौथ की शॉपिंग करनी है कुछ ये वाला सब सामान लेना है थोड़ा घूमना भी है लोकल मार्केट हाँ वो सब कर मेरी ड्रेस सुनो ना तो फिर ना हम उसके बाद कल हम घर पे रह के ना घर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे चेंज मतलब थोड़े काउंटर खाली करेंगे कुछ कुछ कर्टन वगैरह चेंज करेंगे बाकी आपको प्रीति के ब्लॉग में देखने को दिवाली पे सब लोग शॉपिंग करते हैं ना फिलिप्स का ये पेन्स कंपनी है ना 1900 वाट का है ना जी ये फोन है ना ये फिलिप्स और बजाज भी ओपन करके देखते हैं मेरे पास है भी ठीक नहीं चल रहा है इसका डिजाइन भी इतना अच्छा नहीं है ना ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा नहीं का ये वाला मम्मी को खाने हैं गोलगप्पे और हमने ले लिया इंडक्शन प्रीति तूने गोलगप्पे खाने हैं नहीं मैंने भी नहीं मैं खा लूं 10 रुपए के मम्मी आप खा के आना हम लोग उधर सामने वाली शॉप 10 रुपए है ही नहीं मैंने पापा ले लेना मीठा पापा सूखा सूखा बस बस करते करते भी प्रिया जी ने मुझे फिलिप्स का लेके दे दिया ये पांडे रह गए अभी लेने के लिए ये ना करवा चौथ की शॉपिंग की हमने कुछ भी आज इसी में ये ना प्रिया जी ने कब से सोच के रखा प्रीति को कुछ गिफ्ट दूंगी और ये नारियल लेके आए हैं और नारियल पर कुछ और भी था एप्पल हाँ एप्पल एप्पल यार एक चीज तो मैं भूल गई मिक्सर लेना था अभी मुझे याद आया इसको देख के और जाने से पहले ना मेरे सब साफ साफ करके गई थी बर्तन सब साफ करके इसको मैंने सीटी लगाई सब्जी को और ये मैंने ऐसे करके रखा था कि वापस आकर हम लोग ना चाय बनाएंगे ये मुझे थोड़ी सी छन्नी साफ करनी है मैं सोच रही थी क्या साफ करूँ ये मैंने रखा है गर्म करके ये चाय के लिए पानी ये भी दूध ये हमारे पानी की सूप वगैरह देखने थे बट यार पता नहीं कैसे थक गए एक दो काम थे वो किए और फिर हमने सोचा अभी तो टाइम है करवा चौथ के लिए थोड़ा रुक के फिर लेंगे तभी टाइम नहीं है कि आज 14 अक्टूबर तो हो गया 20 को करवा चौथ है तो मैंने सोचा अभी थोड़ा रुक के लेंगे या फिर ऑनलाइन लूँगी ये एक दो और ऑप्शन थे वैसे चूड़ी लेनी थी मुझे पार्लर भी जाना था तो मैंने मतलब आज सोचा था बट फिर टाइम नहीं लग पाया तो फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं आप कैसे मैनेज कर पाते हैं जैसे हम घर भी पहुँचे कपड़े धो के हम लोग गए हुए थे और बाहर देखो बारिश वाला मौसम देखो पूरा बादल मैंने कहा लेना तो था इंडक्शन की शुरुआत कर ले अभी हम नए इंडक्शन की शुरुआत करेंगे प्रीति नीचे से फूल लेने के लिए गए हैं पहले उसकी प्रीति पूजा करेगी उसके बाद फिर हम उस पर दूध गर्म करेंगे फिर हम क्या करेंगे चाय बनाएंगे मम्मी मैंने अब चाय नहीं पी मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया
फिर मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी पी, मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ कि मेरा चीनी डाल के पी लेते थोड़ी सी, नहीं गुड़ डाल के मैं नहीं जानी पीने, मैं खाना बनाऊँ तेरे लिए, मैं खुद बनाऊंगी अपने लिए, क्यों तुमको अपने हाथ से अच्छा लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें को लगता है कि मैं अपने आप बनाऊँ। और पीछे हैं ये ताई जी के कपड़े सुखाने के लिए डाले, और वहाँ पे ताई जी हमारे काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ये ताई जी, ये आज ना मुझे इतना लो सा फील हो रहा है ना, ऐसे थकान सी, नहीं तो मैं 10-10 किलोमीटर वॉक करती हूँ, आज मैंने वॉक तो नहीं किया, हाँ पर हम सुबह से खड़े हैं, मतलब ऐसे कुछ रेस्ट वाला नहीं हो पाया, मतलब बिल्कुल भी पैर नहीं मैंने नीचे लगाया। और ये हम लोग का रूम है जिसका टूर मैं आपको बहुत जल्दी से कराऊंगी, मुझे थोड़ा सा इसको ना कपड़े मेरे फैले हुए हैं सब, तो मुझे इसको तय लगानी, इसके बाद मैं आपके साथ इसका शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं सोती हूँ, मम्मी सोते हैं कभी कभी दिन में या फिर रात में, तो फिर हम लोग यहाँ पे सोते हैं। और इधर ना अभी तो बहुत अच्छा है, जब बहुत गर्मी होती तब नहीं खड़ा जाता, अब तो मौसम बहुत अच्छा है। पहले मैंने सारा वो डेकोरेट करती है ना अच्छे से, फिर हम करेंगे पूजा, क्योंकि बड़े मुझे बड़ा शौक होता है ऐसे, पहले हम करते नहीं थे ऐसे, जब भी हम कुछ भी नया लेते थे, वॉशिंग मशीन ली थी जब हमने, तब हमने इंडक्शन लिया ना, वॉशिंग मशीन का क्या किया था, मैं मम्मी लेके आए थे, कौन सी वाली, तूने पूछा, ये सेमी ऑटोमेटिक वाली, याद है ऑटो में लेके आए थे हम लोग, वॉशिंग मशीन वाली आई है ना, हमें ऐसे शौक होता था उसका, फिर हम हाथ से ज्यादा कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन में कम धोते थे कि नहीं, सिर्फ उसको आते थे वॉशिंग मशीन में, हाँ नहाते नहाते धोते थे बट उतना नहीं धोते थे, चलो कोई भी नहीं चीज आती, हम बहुत एक्साइटेड होते थे, अभी भी एक्साइटमेंट वैसे ही बरकरार है, कोई भी छोटी छोटी चीज लेना घर पे भी, जैसे कुछ भी लेना था, उसकी शुरुआत ना मीठे से करते हैं, भगवान जी को भोग लगा के आशीर्वाद लेके उनका, अब मीठा नहीं है, हम सिर्फ चीनी का भोग लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा ना, मीठा है अंदर, मम्मी लेके आए मिठाई, क्या एक पाव है बर्फी, हाँ ये एक आलस ना आए ना इसलिए मैं पानी भर के, इंडक्शन बेस है ये, हाँ ये तो को पता नहीं है, पर ये देखिए कैसे फूलता है, ये दाने दाने से यहाँ देखना, ये पूरा ऐसे पूरा ऐसे मिक्स हो जाते है, मेरा इतना सिर क्यों फट रहा है यार, क्योंकि आज भारत से कोई हुआ मार्केट, अभी अभी आ गया त्योहार में देखना, पूरा पूरा दिन मार्केट जो मतलब मिक्स ही नहीं, नहीं मिक्स हो, मैं जो लेने गए भूल ही गई वहां पे, कोई बात वो हम उनसे रहेंगे जिन भैया से हम सामान लेते हैं, विनोद वाले वो भी थे वहां पे, तूने देखा नहीं उनको, तो बोल रही इंडक्शन कहाँ से ले, इंडक्शन कहाँ से ले, बट क्योंकि दूसरे मार्केट में जाने में टाइम ज्यादा लगता ना हमें, इंडक्शन है कहाँ, इंडक्शन कहाँ है, ये इंडक्शन मेरे ना, इसका ना पहले प्राइस, जो इसके डब्बे पे प्राइस लिखा है ना वो इसका प्राइस नहीं है, मैंने इसका प्राइस ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन प्राइस पे मैंने इसका मॉडल नंबर डाल के देखा, उससे भी 400-500 रुपए भैया से कम करवाया, तो हम लेके आए, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि हमारे घर में नया इंडक्शन आया है, हमेशा खाने पीने में बरकत रखना, और बस हमारा इंडक्शन बहुत, और बस मेरे घर में प्रिया दीदी सब मेहमान आए, और मैं उनको ऐसे अच्छे से इस पे खाना बना के खिलाऊं, है ना इसका ऐसा, चलो जय माता दी जय राधा पुत्री, पहले ऐसे दिखा दो भगवान जी को अर्पित कर दें पहले, हम क्यों है यार सच्ची बोली थी, मैं अपने घर में छोटे छोटे सामान लिए ना मैंने, और मैंने सबका मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा ऐसे ही अच्छे से चले, ऐसी प्रिया दीदी के लिए सबके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाऊं, ताकि हम ये लेंगे, मतलब कभी ये मेरी चेकलिस्ट में था ही नहीं कि मुझे इंडक्शन कुकर भी घर के लिए चाहिए, बट कहते हैं कि जो गिफ्ट देता है वो तो फिर अच्छा लगता है, मिक्सी लेनी है बेटा, क्योंकि ना ये वाली जो मिक्सी है ना तो इसका ना वो दूसरा वाला चलता नहीं है, मैं बना रही हूँ आटा ज्वार का, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, इसमें मैंने डाला कसूरी मेथी अजवाइन और नमक, बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, 5 बज गए, मम्मी लोगों ने सबने पी ली चाय, और ये चाय किसकी है, ये इंडक्शन में बनी हुई मेरी पहली चाय है, पहले तो दूध गर्म किया है, दूसरी बनी है चाय, अब हम बनाते हैं खाना, गोभी की सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी भी है, चने की सब्जी भी है, एक आई थिंक चटनी भी है फ्रिज में, मतलब अपने घर पे
ना आपको थोड़ा एस्टिमेट होता है चीज़ों को करने का। तो मैंने आटा तो गूंध लिया पर हल्का हल्का गर्म था और छोटे छोटे ग्रैनुल्स इसमें रह गए थे। मैंने सेटिंग मतलब कहीं पे अगर आप जाओ ना आपको दो चार दिन लग जाते हैं सेटिंग आने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कितना पानी डालना है, कितना क्या डालना है। ऑल दो ये मेरा मतलब मायका है बट फिर भी किचन का, घर का, काम का, हर किसी का ना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मुझे ना आटा गूंधने में दूसरी बार गूंध रही हूँ आज मैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं गूंध नहीं पाती हूँ जैसे मैं अपने पटना वाले घर में गूंध पाती हूँ।